हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। गाइस, कल मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था और आज मेरा ये सेकंड ब्लॉग होने वाला है। गाइस, मैंने सोचा कि मैं फ्रेश अप हो चुकी हूँ अच्छे से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग बना लूँ। सो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। गाइस, मैंने सोचा कि मैं आपको अपने बायो का पैटर्न बता देती हूँ कि मैंने क्या सोचा है, क्योंकि गाइस देखो, मैंने भी अभी तक नीट की प्रिपरेशन नहीं की है और मैंने नीट की प्रिपरेशन करना अब स्टार्ट किया है। सो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट चीज़ है वो है कि मुझे बायो को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ मेरे बायो में 300 प्लस आ जाए। ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बायो में खास, मैं सिर्फ बायो की NCERT रीड कर रही हूँ लाइन टू लाइन एंड मैं उसके क्वेश्चंस लगा रही हूँ, बस मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने एक चैप्टर उठाया और मैंने अच्छे से उसको रीड किया है, अपने हाथ में पेंसिल लेके मैं लाइन टू लाइन उसे रीड कर गई हूँ समझ समझ के, और वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं उसके क्वेश्चंस लगा रही हूँ। ओके, ये कर रही हूँ मैं बायो में, बस मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस अभी मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं एक बार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए कि मैं बोल सकूँ हाँ मैंने एक बार तो मतलब सिलेबस अपना कंप्लीट अच्छे से कर लिया और फिर मैं उसको रिवाइज करती रहूँ। सो गाइस, मैंने बायो के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं मैंने उनका लाइन से लिखा है अपने रजिस्टर में, जो ज़्यादा वेटेज के आते हैं, जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने वो अपनी कॉपी में लिख लिया है। ओके, सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने वो चैप्टर्स कौन से हैं जो लिखे हैं। मैंने सोचा है कि पहले मैं उन चैप्टर्स को करूँगी जो मैंने अपने रजिस्टर्स में लिखे हैं, और बाकी जो हैं जिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ चैप्टर्स से तो सिर्फ एक ही आता है, तो मैंने सोचा है कि मैं उन चैप्टर्स पे बाद में फोकस करूँ, इतना फोकस अभी ना करूँ। अभी जिन चैप्टर्स से 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो मैंने जो लिस्ट बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आइए देखते हैं। यस गाइस, तो अब मैं आपको अपने रजिस्टर का जो पेज है वो दिखा देती हूँ, आप अच्छे से देख लो। गाइस, आप देख सकते हो ये है मैंने जो लिखे हैं अपने रजिस्टर्स में, ये कुछ ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये चैप्टर्स हैं बेसिकली, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जेनेटिक जो है वो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, बायोटेक जो है बायोटेक के दोनों, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ मैंने जो स्टार मार्क किए हैं इन्हें मैं पहले करने वाली हूँ, सेल हो गया, सेल डिवीजन, प्लांट किंगडम, कि बिकॉज ये ना चैप्टर इतने टफ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इन पर स्टार मार्क किया है। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ देख सकते हो आप। तो ये जो मैंने लिखे हैं पहले मैंने सोचा है इन्हें कवर करूँगी मैं, और ये स्टार मार्क जो है इन्हें पहले करूँगी, सेल डिवीजन, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ डिसीज़, ओके, एनिमल किंगडम। मैं सोच चुकी हूँ कि मैंने जो स्टार मार्क किए हैं इन्हें मैं पहले करूँगी, और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ यही है चैप्टर को फिनिश किया NCERT से रीड करके और उसके क्वेश्चंस लगा दिए, बस यही है। आप यहाँ देख सकते हो ये मेरा जो रजिस्टर है इसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ये AB ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने, ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व ही किए हैं मैंने। सो जो चैप्टर मैं कर चुकी हूँ मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये PYQ देख रहे हो आप, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, मैं ये भी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, पूरा नहीं कर पाती हूँ अभी, एक बार में, एक दिन में एक PYQ बेसिकली, मैं सच बताऊँ तो भी नहीं हो रहा मेरा, बट मैं ट्राई करूँगी कि अब मैं अच्छे से करूँ और ज़्यादा। सो गाइस, आपने देख लिया कि मैंने अपने रजिस्टर में कैसे जो है वो लिस्ट बनाई है बायो के लिए, और मैं अभी आपको सच बता रही हूँ मैं केमिस्ट्री फिजिक्स छू भी नहीं गई हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बायो कर रही हूँ अभी अपनी। और मैं चाहती हूँ कि 15 मई तक, क्योंकि मैं डेली बायो का एक चैप्टर पढ़ गई हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ गई हूँ, एक चैप्टर मैं डेली बायो का पढ़ गई हूँ, उसके क्वेश्चन भी लगाती हूँ, कुछ के ज़्यादा लगा पाती हूँ, कुछ के 25-30-35 क्वेश्चन ही लगा पाती हूँ। तो गाइस, अभी मैं यही कर रही हूँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कमेंट करके, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। और आप लोगों से मैं एक दो चीज़ें और कहना चाहती हूँ, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कहूँगी। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मैं नीट में स्कोर ले आऊँ अच्छा,
ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरा 450 से 500 के बीच में स्कोर आ जाए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कमेंट में तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बेसिकली मेरे को कोई टॉप नहीं करना, मुझे 600 साढ़े 600 नंबर नहीं चाहिए, बट मुझे अच्छा स्कोर चाहिए। 450-500 के बीच में मेरा स्कोर आ जाए, मेरा मेन एम और मेरा मेन गोल यही है। सो गाइज़ आप प्लीज़ चैनल को कर लो मेरे सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।